करनाल के मेरठ रोड स्थित एक निजी बैंक हॉल में जननायक जनता पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसको पूर्व विधायक एवं जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सागवान ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि 18 जुलाई को जननायक जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर सरकार की विफलताओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेगी और जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि मौजूदा सरकार को चेताया जा सके और जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे वह वादे पूरे करें। पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान ने कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। आए दिन राहजनी लूट डकैती व मर्डर हो रहे हैं, परंतु सरकार इनको पकड़ने में नाकामयाब रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं को लेकर जननायक जनता पार्टी समय समय पर लोगों के बीच में जाएगी और जागरूक करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि करनाल के जाट धर्मशाला में इकट्ठे होकर 18 जुलाई को जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान, और सर ये जो मीटिंग बुलाई गई, क्या उद्देश्य था सर? आज की मीटिंग बुलाने का मुख्य मकसद है, कल 18 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पूरे जिला के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आज इस सरकार ने जो वायदे किए थे जनता के बीच में, किसी वायदे पर कोई सुचारू रूप से काम नहीं किया। आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज अगर मैं बात करूं युवाओं को रोज़गार देने की, इन्होंने बात कही थी कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, तो वो भी वायदा पूरा नहीं किया गया। आज कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, तो कानून व्यवस्था का पूरे प्रदेश में दिवाला पिट चुका है। आज कोई भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आए दिन राहजनी, लूटपाट, मर्डर, अपहरण, डकैती, फिरौती, फेक इनकाउंटर, इस तरह की घटनाएं आज हमारे प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हम इन सभी मुद्दों को लेकर, चाहे वो बिजली के रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे वो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, उन सब को लेकर हम कल एक प्रदर्शन भी करेंगे। और सुबह 10 बजे जाट धर्मशाला से चलकर डीसी के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, ताकि सरकार सचेत होकर जो भी उन्होंने वायदे जनता के बीच में किए थे, चाहे वो विकास का था, चाहे वो बेरोजगारी को ख़त्म करने का था, चाहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का था, चाहे और कोई वायदा था, उनको जब तक वो पूरा नहीं करते, तो हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और जननायक जनता पार्टी के आज यहाँ पर जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। कल प्रदर्शन की अगुवाई सरदार निशान सिंह कम्बोज जी हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, वो आएंगे। उनके नेतृत्व में कल का प्रदर्शन होगा, और पूरे हरियाणा प्रदेश में हर रोज़ हम जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन इसी तरह से 15 तारीख से कर रहे हैं, और कल 18 तारीख को और फिर 19 तारीख को भी प्रदर्शन है बाकी दूसरे जिलों में।